नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आज बिहार में हुआ जोरदार हंगामा, पुलिस पार्टी लाठी चार्ज में बीजेपी के जहानाबाद जिला महासचिव की मौत। सुशील मोदी ने भी किया ट्वीट, पहले विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, शिक्षकों के मुद्दों पर हंगामा कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शलों ने उठा उठाकर फेंका, फिर बाहर निकलने के बाद शुरू किया प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर भाजपाइयों को बुला लिया, माहौल खराब देखकर पुलिस ने किया लाठी चार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले, एक बीजेपी महासचिव की मौत। दूसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, बैक सीट पर जाएंगे छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह को लगेगा तगड़ा झटका, बताएंगे कैसे। और इस बीच एकनाथ शिंदे की नहीं चली, अजीत पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय, 22 विधायक हुए नाराज, महाराष्ट्र में फूट की अटकले तेज। अगली खबर में बताएंगे जहां राहुल गांधी ने आज बड़ी खबर निकल के आई है, बुलाई बड़ी मीटिंग, राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ संघ की है महामंथन। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी पहुंचे अध्यक्ष कार्यालय, वो भी बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों जहां एनडीए के विधायकों को पीटा, एनडीए के भारी बाढ़ में पहुंचे एनडीए के विधायक, यानी जेजेपी के विधायक को पीट दिया है, हरियाणा से बड़ी खबर निकल के आई, ये हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आई है बॉम्बे हाईकोर्ट, नवाब मलिक को लेकर के एनसीपी महाराष्ट्र, बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो है वो शामिल हुए कांग्रेस में, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर निकल के आई है। अमित शाह थे दौरे पे तब ये हुआ है, एक एक करके बताएंगे दोस्तों बड़ी अपडेट। अगली खबर जहां राहुल गांधी ने खेल कर दिया है, बताएंगे क्या कुछ है पूरा मामला। इस बीच अगली खबर निकल के आई है दोस्तों जहां प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है तगड़ा झटका, पहलवानों को लेकर बुरा फंसा है एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह, ये भी हम आपको बता देंगे। इस बीच डिस्टर्ब करता था आलोक, कहानी खत्म कर दें, क्या है पूरा माजरा ये भी बताएंगे। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी तृणमूल की बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को लेकर क्या कुछ बोला है हमला, वो भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में पहुंचे अमित शाह को लगा तगड़ा झटका, कई भाजपाई हुए कांग्रेसी, तो वे के करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां बिहार में आज जोरदार तरीके से हुआ हंगामा, पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के जहानाबाद जिला महासचिव विजय सिंह की हुई मौत। सुशील मोदी ने ट्वीट करके बोला हमला। दरअसल दोस्तों शिक्षक भर्ती और 10 लाख रोजगार के मामले पर विधानसभा में मार्च निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिनमें बीजेपी के जहानाबाद के जिला महासचिव विजय सिंह की मौत हो गई। सुशील मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। दरअसल पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए, शुरुआत इसकी कहां से हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इसकी शुरुआत तब हुई जब आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा था। विधानसभा के सत्र के दौरान जो है वो शिक्षकों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है वो घुस करके हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायकों ने जो है विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, तभी जो है वो वहाँ पर बड़े पैमाने पर मार्शल आए और एक एक विधायकों को उठा करके विधानसभा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अब बाहर फेंके जाने के बाद जो है वो मार्शलों के विधायकों को फेंके जाने के बाद जो है वो नोकझोंक हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ सीधे तौर पर जो है वो सबसे पहले जो है वो विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और विधानसभा के बाहर ही जो है वो तमाम बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए। उसके बाद बीजेपी के नेता इकट्ठा होना शुरू कर दिए और बीजेपी के नेता भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए, जहां सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू कर दिए। सैकड़ों हजारों की संख्या में भाजपाइयों को इकट्ठा देख पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज शुरू करनी पड़ी और वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पटना पुलिस के लाठी चार्ज के बीच जहानाबाद के बीजेपी नेता की मौत की खबर आ गई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट सिंह चौधरी समेत बिहार बीजेपी के कई नेताओं को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन छोड़े। वहीं पुलिस पर भी ईंट पत्थर बरसाए गए। इसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए, फिर उन्हें हिरासत में लेकर बस में भर करके वहां से ले जाया गया। लाठीचार्ज से सांसद जनार्दन सिंगरीवाल के सिर में चोटें आईं। वहीं नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पटना में कथित तौर पर यह विधानसभा मार्च निकाला था। राज्य भर से आए हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए।
बीजेपी शिक्षक भर्ती नियमावली रोजगार के अलावा अगुवानी पुल हादसा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी महागठबंधन सरकार को घेर रही है। दूसरी ओर मानसून सत्र के दौरान हंगामे के बाद बीजेपी ने दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया और पटना में बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ने पर यह जो है वो उसकी मौत की खबर आई है। हालांकि आपको बता दें अब इस मौत के बाद राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा कार्यकर्ता मौत की जिम्मेदार को नीतीश सरकार को बताया है। वहीं आपको बता दें जहानाबाद के बीजेपी नेता विजय कुमार ने PMCH हॉस्पिटल में दम तोड़ा। पुलिस का कहना है कि उन्हें विजय सिंह सड़क पर अचेत अवस्था में मिले थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ICU में आधे घंटे रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ा। डिप्टी CM सुशील मोदी ने कहा पुलिस की लाठी लगने से विजय सिंह की जान गई है। तो अब बीजेपी और पुलिस सामने सामने है, लेकिन मामला कुछ भी हो हंगामा बिहार में आज जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा तगड़ा 440 वोल्ट का झटका। अमित शाह दौरे के बीच सैकड़ों भाजपाइयों ने थामा कांग्रेस का दामन। दोस्तों दरअसल आपको बता दें जहां एक तरफ अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंचे थे, तो वहीं मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद अमित शाह को तगड़ा झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। कटनी जिले के बीजेपी नेता संदीप वाजपेयी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश बचाने के महाअभियान से सभी का कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा जिन्होंने भी मध्य प्रदेश बचाने के लिए कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों गृहमंत्री अमित शाह का दौरा था और उस दौरे के बीच इस तरीके का झटका अपने आप में झटका है। अगर अपडेट, दिल्ली में उत्तराखंड में कांग्रेस का महामंथन खड़गे और राहुल गांधी ने नेताओं के साथ की बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी और बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की दिल्ली के अलग अलग राज्यों की बैठक रही। इस दौरान विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा रही, लेकिन गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान ने बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कुछ संगठन बदलाव होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पार्टी हाईकमान ने बैठक में राज्य के नेताओं से कामकाज का फीडबैक भी लिया। शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को और धार देने की सलाह देने के साथ ही पार्टी नेताओं को दी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां राहुल गांधी ने दिल्ली से शुरू कर दी है। एक और खबर निकल के आई है, एकनाथ शिंदे की नहीं चली, अजीत पवार को मिलेंगे वित्त मंत्रालय तो 22 विधायक हुए नाराज। दरअसल जितने बागी हैं वो सारे के सारे मंत्री बताए जाने से आम विधायक नाराज हो गए। महाराष्ट्र सरकार में NCP के अजीत पवार गुट की एंट्री के बाद CM एकनाथ शिंदे कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, इसके अलावा उनके समर्थक मंत्रियों को ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभाग मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये झटके की तरह होगा जो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का विरोध करता रहा है। इसकी वजह यह है कि शिवसेना से बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अजीत पवार वाले वित्त मंत्रालय को भी वजह बताया है। शिंदे गुट का कहना था कि अजीत पवार NCP विधायकों के इलाकों के लिए ही फंड देते हैं। अब अजीत पवार की एंट्री के बाद से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। बुधवार को ही अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में NCP से आए नेताओं को विभागों के बंटवारे पर मुहर लग सकती है। अगली एक और खबर निकल के आई है, अकेले में ही मिलवाते थे पहलवानों से यौन उत्पीड़न में ब्रजभूषण की मदद कर रहे थे विनोद तोमर, चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा, फंस रहे हैं सभी आरोपी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सहायक सचिव रहे विनोद तोमर को भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई उनमें दावा किया गया है विनोद तोमर ने ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद की थी। चार्जशीट में कहा गया विनोद तोमर जानबूझकर यौन उत्पीड़न में ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद कर रहे थे, उन्हें इस केस में सह आरोपी बनाया गया है। 6 महिला पहलवानों में से 2 की शिकायत में विनोद तोमर भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सह आरोपी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि विनोद तोमर महिला पहलवानों के ब्रजभूषण शरण सिंह से उसी वक्त मुलाकात कराते थे जब वो अकेले हों। ऐसे 3 बार हुआ है जब तोमर ने उसी वक्त ब्रजभूषण से पहलवानों की मुलाकात कराई जब वो अपने ऑफिस में अकेले थे। यही नहीं, 2 मामले तो ऐसे हैं जब ब्रजभूषण सिंह से मिलने जा रही पहलवानों के पति और कोच को विनोद तोमर ने बाहर ही रोक लिया था। तो सब पूरे मामले में बुरे फंस चुके हैं।
एक और अपडेट निकल के आई है, तुम यहाँ मुझे गाली दो मैं वहाँ पूजा करूँ, ममता की कांग्रेस और सीपीएम को सीधी चेतावनी दी है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भले ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम साथ नजर आ रहे हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में तीनों दल में दरारें बढ़ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ चेतावनी दे दी है कि वो विपक्षी एकता के चलते दोनों दलों को लेकर कुछ नहीं कहना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के जिम्मेदार में भारतीय जनता पार्टी के अलावा इन दलों को भी नाम शामिल किया। सीएम ममता बनर्जी एकता की बातचीत का हवाला देकर कांग्रेस और सीपीएम के बारे में खुलकर बोलने से बच रही हैं। बुधवार को उन्होंने आरोप लगाया कि राम, साम और वाम यानी भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में हुई हिंसा की जिम्मेदार थी। आंकड़े बताते हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम बनर्जी ने कहा है कि आप मुझे यहाँ गालियाँ दें और मैं वहाँ आकर आपकी पूजा करूँ, ये नहीं चलेगा। अगली एक और खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आपको बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को दिया तगड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। महाराष्ट्र में मिली खबर के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जानकारी दी, आपको बता दें नवाब मलिक ने मेडिकल आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी जमानत की मांग की थी। आपको बता दें मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी और उनकी याचिका अगले आदेश के लिए सुरक्षित रख ली गई थी। बता दें एनसीपी नेता की बीते साल 2022 फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, वो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। अगली एक और अपडेट, हरियाणा में बाढ़ से हाहाकार, जायजा लेने गए जेजेपी विधायक को महिला ने जड़ा थप्पड़, मदद नहीं मिलने से थी नाराज। हरियाणा में भारी बारिश में जमकर कहर मचाया। उत्तरी हरियाणा और जीरो बेल्ट से जिले बाढ़ में पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आश्चर्य इस बात की है कि जब लोग सरकार से मदद की राह देख रहे हैं तो उस वक्त मिशन 2024 पर मंथन कर रही थी, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं। अब इस बीच लिहाजा लोगों में आक्रोश है। ये वजह है कि कैथल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने गए जेजेपी एमएलए को एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। एमएलए के साथ धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने बमुश्किल वहां से निकाल कर भगाया। हरियाणा के आधा दर्जन से ज़्यादा जिले प्रभावित बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। सड़क और रेल यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित है। खुद मुख्यमंत्री 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर चुके हैं। ऐसे वक्त में लोग सरकार के मदद की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अगली एक और खबर निकल के आई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आक्रामक तेवर से घबराई शिवराज सरकार, विधानसभा का अंतिम सत्र 2 दिन में ही हो गया खत्म। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र 2 ही दिन में खत्म कर दिया गया। इस सत्र के पहले दिन में कांग्रेस ने जहां आदिवासी अत्याचार और महाकाल लोक घोटाले पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, तो वहीं बीजेपी सरकार चर्चा से भागती नजर आई। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने तमाम शासकीय कार्य पूरे किए और अनुपूरक बजट सहित तमाम विधेयकों को पारित करा लिया। राज्य की 15वीं विधानसभा का सत्र 5वां दिन का था, जो 11 जुलाई से 15 जुलाई तक चलता था, मगर सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष के तेवर आक्रामक थे और सरकार भी जवाब देने से भाग रही थी। विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही सरकार ने आदिवासी अत्याचार, महाकाल लोक घोटाला और सतपुड़ा भवन में आग लगने जैसे मसलों को उठाया और इस पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपाई जो है वो उससे पूरी तरीके से डरे हुए हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जगह जगह भारी बारिश, दिल्ली पूरी तरीके से हुई जम, भारी बारिश से लबालब हालात खराब हो चुके हैं। दोस्तों दरअसल दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर रिकॉर्ड 208 मीटर तक पहुंच गया है। 45 साल बाद यमुना का जलस्तर यहां इस लेवल तक पहुंचा है। ऐसे में दिल्ली के निचले इलाके में पानी में डूब गए हैं। राजधानी के कई जगहों पर बाढ़ का पानी भर गया है। ऐसे में अगर आप घर में, दफ्तर जाने या किसी और काम से निकलने की सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अब उन रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिनमें कश्मीरी गेट, मेन रोड, रिंग रोड को बंद किया गया है। यमुना नदी का पानी आईटीओ तक पहुंच चुका है, पूर्वी दिल्ली के मध्य दिल्ली और कनॉट प्लेस तक आने वाले का प्रमुख मार्ग है। भैरव मार्ग को बंद कर दिया गया है। आईपी फ्लाईओवर और चंदगी राम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग प्रभावित है। कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग प्रभावित है। वजीराबाद ब्रिज और चंदगी राम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड प्रभावित है। कॉमर्शियल वाहनों पर लगी एंट्री पर रोक, कई रूट डायवर्ट हैं। कॉमर्शियल वाहनों का पूर्वी और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा गया है।
कमर्शियल वाहनों को मुकारबा चौक से डाइवर्ट किया जाएगा। मुकारबा चौक और वजीराबाद ब्रिज के बीच किसी भी व्यावसायिक वाहनों को अनुमति नहीं। कमर्शियल वाहनों को सराय काले खां से डाइवर्ट किया जाएगा। सराय काले खां और आईपी फ्लाईओवर के बीच किसी भी व्यावसायिक वाहन को अनुमति नहीं है। तो सीधे तौर पर ये सारी चीज़ें हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में राहुल के खिलाफ याचिका करने वाले प्रणांश मोदी सुप्रीम कोर्ट भागा भागा तो गया, लेकिन लग सकता है झटका। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने, उन्हें सजा दिलाने के वाले भाजपा विधायक प्रणांश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। उन्होंने उस मामले में कैविएट दायर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया। प्रणेश मोदी भले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन अब कांग्रेस के वकील और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूरी तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां लग सकता है भारतीय जनता पार्टी खास करके तगड़ा झटका प्रणेश मोदी को लग सकता है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। अगली एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच खबर, अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिलने से शिंदे खेमे में भी लगातार बगावत होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें, लगातार सिचुएशन खराब हो रहे हैं। खराब हो रहे सिचुएशन के बीच मोदी सरकार बुरी फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें, अब इस बीच जगह जगह जो है वो हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। तो कॉमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।